नमस्कार, मैं अंकुश और आज द फैक्टेई की टीम पहुंची लोगों के बीच जानने की आखिर में क्या है डेरा सच्चा सौदा, क्यों फंसाया जा रहा है और लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि सच में बाबा राम रहीम के पीछे कोई साजिश है या कोई ऐसा सच है जो हमारी नजरों से शायद छुपा हो। तो लगातार लोगों से ही जानते हैं कि क्या जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या है इनके विचार। मैम आपका नाम? मेरा नाम मंजू जी। कहाँ से? मैं सिरसा से ही हूँ। वेल एजुकेटेड लग रहे हो बट आपके सरनेम से लग रहा है आप डेरा से जुड़े हुए हो। कब से जुड़े हो डेरा से? मैं बचपन से ही डेरा के साथ जुड़ी हूँ। मैम अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे? मैंने 10th क्लियर करी हुई है जी। तो मैम आपको पढ़े लिखे हो, आपको सही गलत की समझ है, क्यों आती हैं आप आज भी डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा में जो गुरु है वो हमें एक नेक कार्य के लिए समझाते हैं कि जैसे बुरे और अच्छे के बारे में समझाते हैं और उनके जो सत्संग है उनमें कोई बुराई नहीं है। सत्संग सुनने में हमें पिताजी से बहुत ही अच्छे जैसे वचन उनसे सुनते हैं, उनको हम अपने पे लेके जैसे हम पिताजी के वचनों पे अमल करते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं। मैम आपने बताया इतना अच्छा माहौल डेरा सच्चा सौदा के अंदर बट लोगों का कहना है यहाँ पर तो महिलाएँ सुरक्षित ही नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, डेरे में बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं। जैसे पिताजी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, पिताजी ने महिलाओं को जैसे डेरे में स्कूल खोला गया है बच्चों के लिए, पिताजी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। काबिले तारीफ है आपके गुरु जो लोगों के लिए इतना सोचते हैं। और क्या क्या किया होगा गुरु जी ने आपकी महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए? महिलाओं के लिए जैसे जैसे वैश्वों को पिताजी ने अपनी बेटी बनाया, उनकी शादियां करी हैं, इतना कुछ पिताजी लड़कियों को मतलब वैश्वों तक खुद लेकर उनको शादियां करवाते हैं। जी जी, खुद की दर्जा देखो, खुद की बेटियां बनाया उन्होंने। जी मैम, हमने काफ़ी सत्संगों में उनके बस सुना है कि वो चीख चीख के बोलते हैं कि लालत है उन माँ बाप पर जो लड़कियों को मरवा देते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं ऐसी लड़कियों के लिए? वो ऐसी लड़कियों को खुद कूड़े में उठा के उनको गोद लेके उनको अपनी बेटियां बना के डेरे सच्चा सौदा में रख रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। काबिले तारीफ है आपके गुरु जी। मैम आप आज भी क्यों डेरे सच्चा सौदा जाते हैं? आपको शायद कुछ होता नहीं होगा डेरे सच्चा सौदा कैसे? मैम मतलब आज भी क्या जरूरत है आपको डेरा जाने की? अब तो आपके गुरु जी यहाँ पर है ही नहीं, फिर क्या करते हो? गुरु जी नहीं है पर उनके कोई कार्य नहीं, यहाँ पर रुके हुए हैं गुरु जी के वचनों पे। मतलब आज भी वो कार्य यूँ ही चल रही है। कुछ बताएंगे मैम किस तरह के कार्य होते हैं? जैसे सत्संग वगैरह वहाँ पे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी जी। क्या लगता है आपको गुरु जी के पीछे कोई साजिश होगी? जी बिल्कुल, गुरु जी के पीछे कोई साजिश ही है, नहीं तो इतनी भीड़ अभी तक भी गुरु जी के पीछे है। जी तो मैम ऐसे गुरु की समाज को क्यों जरूरत होगी? क्या किया उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ करा है, जैसे कि नशा के लिए उन्होंने, मेरे खुद हस्बैंड ने नशा छोड़ा है डेरा में, पिताजी की सत्संगें सुनी है, उन्होंने सत्संगों पर अमल करा है और उनकी ही रहमत है इन्होंने मेरे हस्बैंड ने यहाँ मतलब गुरु जी के सत्संग को सुनकर ही नशा छोड़ जी। क्या बात है, मतलब काफ़ी अच्छी शिक्षाएं रहती है आजकल के जवान को पिताजी की सत्संग की बहुत जरूरत है। तो मैम आज देश की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे गुरु जी को जल्दी से जल्दी बाहर भेजिए, हम सबको सारी दुनिया को पिताजी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।